नमस्कार दोस्तों स्वागत है फिर से एक बार एक नए जोश और उत्साह के साथ हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी और दोस्तों मैं मिशा सर आप सभी व्यूवर्स का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और स्वागत करता हूँ कि आप मेरे साथ इस लेक्चर में आए हैं दोस्तों आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है दोस्तों आज मैं कवर करने जा रहा हूँ एक ऐसा टॉपिक जो साइंस के स्टूडेंट के लिए और हर सेक्टर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों हमारा जो चंद्रयान टू था ऑर्बिटर उसने कंप्लीट कर लिया है वन ईयर अराउंड द मून जी हाँ मून के चक्कर काटने वाला हमारा चंद्रयान टू जो मिशन था ऑर्बिटल मिशन था उसने एक साल पूरा कर लिया है तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इस वीडियो में ऐसी जानकारियाँ इकट्ठा कर लें ऐसी जानकारियाँ इकट्ठा कर लें कि जो कि इस मिशन से रिलेटेड है और क्या पता आने वाले एग्जाम में ऐसा हो जाए कि इस सेक्टर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ जाए तो चलिए जान लो पूरा इसके बारे में ये मेरा टैगलाइन है इस सेशन के लिए ठीक है हम बारीकी से हर चीज जानेंगे कि क्या क्या सेशन में मतलब इस मिशन में था दोस्तों हम जानते हैं पहले चंद्रयान टू के बारे में देखिए चंद्रयान टू इज द सेकेंड लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन डेवलप्ड बाय द इसरो चंद्रयान वन एज ऑफ सितंबर 2019 इट कंसिस्ट ऑफ लूनर ऑर्बिटर एंड ऑल्सो इंक्लूडेड द विक्रम लैंडर एंड द प्रयागन प्रयागन लूनर रोवर ऑल ऑफ विच व डेवलप्ड इन इंडिया ये सारी चीज़ें इंडिया में ही डेवलप्ड हुई थी द मेन साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव इज टू मैप एंड द स्टडी ऑफ वेरिएशन इन द लूनर सरफेस कॉम्पोजिशन एज वेल एज द लोकेशन एंड द एब्सेंस ऑफ लूनर वाटर देखिए दोस्तों ये कुछ डिटेल हैं इनके बारे में आपको बता दूँ कि जो चंद्रयान टू का जो मिशन था वो ये था कि आप जिस सरफेस पर वो ट्रेवल करेगा वहाँ से आप यहाँ बैठे बैठे उसके जो भी कैमरा है वहाँ से आप देख सकते हैं या वो खुद कैप्चर करता है इमेजेस को फिर हमें सेंड करता है ठीक है सेटेलाइट इमेजेस के दोस्तों देखिए लूनर सरफेस पे क्या क्या कॉम्पोजिशन है प्लस वो लोकेशन बताता है एब्सेंस ऑफ वाटर है या क्या चीज़ है वहाँ पर प्रजेंट वो सारी जानकारियाँ इस मिशन के अंतर्गत आती है जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था ठीक है तो दोस्तों अब मैं आपको कुछ बेसिक डिटेल्स बताऊंगा ध्यान से देखिए दोस्तों जी एल एस एल वी मार्क थ्री से इस चंद्रयान टू को लॉन्च किया गया था इसका जो हाइट है वो है फोर्टी थ्री पॉइंट फोर मीटर जो डायमीटर है उसका है वो फोर मीटर जो मास है दोस्तों वो है सिक्स हंड्रेड फोर्टी टन ठीक है अब देखिए दोस्तों इसका जो पेलोड है वो दो कैटेगरी का वो है लोअर अर्थ और दूसरा है जियो सिंक्रोनाइज अर्थ ऑर्बिटल ठीक है जो जियो लोअर लो, अर्थ ऑर्बिटल है वो है एट थाउजेंड पेलोड का और जो जियो, जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिटल है उस पर पे इसका पेलोड है फोर थाउजेंड का ठीक है ये थोड़ा सा बेसिक डिटेल थी अगर आप इन सब चीज़ों को जानते रहेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि अगर कोई भी एग्जाम में इसरो का एग्जाम हुआ या डीआरडीओ का असिस्टेंट का एग्जाम हुआ तो आप उसमें ये सब चीज़ें कवर कर सकते हैं दोस्तों अगर हम बात करें पहले साल की जो जर्नी थी उसमें इन्होंने क्या क्या कवर किया एक साल की पूरी जर्नी में तो लूनर ऑर्बिटर हैज़ फिनिश्ड वन ईयर एंड फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड ट्रिप्स अराउंड द मून ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उन्होंने मून के अराउंड में कितना ट्रिप कवर किया है ठीक है चंद्रयान टू हैज़ मैप नियरली 1.5 मिलियन स्क्वायर मील्स इन्होंने इतना मील भी 1.5 स्क्वायर मील को वो किया है चंद्रयान टू ऑल्सो स्पॉटेड स्मॉल स्केल टाइटोनिक लैंडफॉर्म्स कॉल्ड लूनर लोबैट स्क्रैप और ऑर्बिटल रडार ऑन चंद्रयान टू आर कंटिन्यू टू गैदर ऑब्जर्वेशन ऑफ लूनर वाटर आइज द पोल देखिए पोल पे आइज के बारे में भी इन्होंने एक डाटा इकट्ठा किया है चंद्रयान टू ने साथ ही में कुछ स्मॉल स्केल टाइटोनिक लैंडफॉर्म्स को भी स्पॉट किया गया है चंद्रयान टू के माध्यम से जिसको हम कहते हैं लूनर ट स्क्रैप्स ठीक है ये कुछ basic, बेसिक मतलब बेसिक ये बहुत आ, क्या बोलते हैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी इन्होंने जो वन ईयर में चंद्रयान टू ने ये चीजें डेटा को कलेक्ट किया है दोस्तों अगर हम नेक्स्ट डेटा की बात करें तो चंद्रयान टू इवन इनडायरेक्टली मॉनिटर्स सोलर एक्टिविटीज प्रोवाइडिंग एडिशनल ऑब्जर्वेशन फॉर साइंटिस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ स्पेस वैदर इफेक्ट्स अर्थ मतलब अगर हम बात करें तो ये मौसम के बारे में बताता है तो इसमें क्या हुआ कि साइंटिस्ट को इसने एक एडिशनल ऑब्जर्वेशन दे दी है ताकि फिगर uh, आउट कर सके साइंटिस्ट कि स्पेस वैदर हाउ स्पेस वैदर इफेक्ट्स अर्थ मतलब स्पेस का जो वैदर है स्पेस का जो मौसम है वो अर्थ को कितना इफेक्ट कर रहा है इसके बारे में भी ए चंद्रयान टू में इनडायरेक्टली कुछ ऐसी एडिशनल इन्फॉर्मेशन या ऐसी एडिशनल ऑब्जर्वेशन के बारे में बता दिया है साइंटिस्ट को तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है चंद्रयान टू की दोस्तों आप ध्यान से बारीकी से एक एक चीज़ को समझते रहिए ताकि आपका ये सेक्टर कंप्लीट हो जाए देखिए दोस्तों इन जनवरी इंडिया कॉमेटेड टू लॉन्चिंग अ सक्सेस मिशन टू चंद्रयान टू कॉल्ड चंद्रयान थ्री जनवरी में उसने ऐलान कर दिया है ऑल दो दैट मिशन टाइम लाइन हैज नॉट बीन कंफर्म्ड यट अभी तक उसका फिक्स टैंडर्ड नहीं है कि हम कब तक करेंगे लेकिन जनवरी 2020 में उन्होंने बता दिया है कि हम थ्री भी लॉन्च करने वाले हैं इंडिया फर्स्ट मून मिशन चंद्रयान वन जो था वो लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2008 में और जो एंड हुआ था मतलब एंडेड इन 2009 अगस्त में ठीक है अभी फार टू चल रहा है उसका एक साल पूरा हो चुका है ठीक है अब चाहिए दोस्तों मैं बता दूँगी कुछ कुछ इमेजेस हैं जो चंद्रयान टू ने अभी रिसेंटली ली हैं हम स्टार्ट करेंगे इसकी जर्नी फ्रॉम द अर्थ और कैसे कैसे उसकी जर्नी ने डेटा कलेक्ट करके हमें कुछ बताया है या कैसे क्या किया है हम सारी चीज़ें बताएंगे दोस्तों ये देखिए पहली तस्वीर आपके सामने ये देखिए पहले हमारा रॉकेट है जो जैसे बताया था मैंने जी एस एल वी मार्क थ्री उसके माध्यम से हमारा जी जो सैटेलाइट है चंद्रयान टू का जो मिशन था वो इस रॉकेट के माध्यम से इस मार्क थ्री के माध्यम से ये ऊपर जा रहा था ठीक है ये रात का सफ़र था हैं ठीक है हल्का हल्का अंधेरा था इसलिए पिक्चर भी ब्लर्ड आई है आपको समझ में नहीं आया हुआ लेकिन हाँ मतलब ये हुआ था दोस्तों नेक्स्ट आता है कि जब ये हमारा डिस्पैच हुआ था मतलब ये हमारा जब रॉकेट सेपरेट हुआ था ठीक है उस टाइम की इमेज है ये अर्थ का अर्थ को उसने क्रॉस कर दिया था मतलब अर्थ के ऊपर वो चला गया था अब यहाँ से रॉकेट हट रहा था सेपरेट हुआ था अपने इस बॉडी से ठीक है अब उसको स्पेस में आना था मतलब अर्थ के कुछ सरफेस से ऊपर हट के वो स्पेस में जाने वाला था तो वो उस टाइम की ये फोटो है ठीक है आप इसके ग्राफिक्स देख सकते हो कि कितने बारीकी से ये फ़ोटो लिया गया था ठीक है तो आप देख सकते हैं कि साइंटिस्ट किस लेवल तक का, का काम करते हैं ठीक है दोस्तों अगर मैं आपको नेक्स्ट चीज़ बताऊं तो नेक्स्ट चीज़ आप देखिए कि ये जो हमारा चंद्रयान टू इंटरग्रेटेड हुआ था वो मॉड्यूल सेपरेट फ्रॉम द लॉन्चर ये लॉन्चर जो है हमारा जो लॉन्चर है उससे ये हमारा चंद्रयान टू इंटरग्रेट हुआ था मॉड्यूल सेपरेट हुआ था तो ये उस टाइम की फ़ोटो है इसके अंदर ही सारी चीज़ें हैं जो वहां पर मून पे जाके हमारी काम करती हैं ठीक है अब दोस्तों अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं नेक्स्ट फिगर की बात करते हैं तो ये देखिए ये हमारा है प्रग्ञ कमेंस एक्सप्लोरेशन ऑन द लूनर सरफेस ये हमारा प्रैग्ञान है जो कि लूनर सरफेस पे आ चुका है और ये वहाँ पे हमारा डेटा कलेक्ट करता है ये ट्रेवल करता है और हमारे डेटा को वहाँ पे कलेक्ट करता है तो ये ही मेन ऑब्जेक्टिव था कि इसको सक्सेसफुल ही उसको वहाँ तक पहुँचाना लूनर सरफेस तक मून के सरफेस तक पहुँचाना यही हमारा सबसे बड़ा मकसद था जो आज कंप्लीट हो चुका है ठीक है तो मैं लास्ट में बता दूं कि दैट्स ऑल ये जर्नी थी हमारे चंद्रयान टू की और सबसे ज़्यादा हम थैंक करते हैं इसरो टीम को जिन्होंने इस मिशन को और हमारे देश को सबसे ऊंचा स्थान दिया है पूरे वर्ल्ड में ठीक है दोस्तों तो एट लास्ट फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ त्रिशांत एकेडमी मैं मिश्रा सर आप सभी व्यूवर्स का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि आपका मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और जो भी बहुमूबल सुझाव है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए और जिन भी व्यूअर्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल को और सब्सक्रिप्शन आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हर रोज ऐसे ही लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियोज़ मिलते रहें थैंक यू